जी जनाब, ये मेरा ऑर्डर का केक था, तो मैंने सोचा छोटा सा आपको वीडियो भी दिखा दूँ। ये मैंने वनीला स्पंज बनाया है हार्ट शेप में, जो कल आपको मैंने रेसिपी सिखाई थी वनीला स्पंज की। ये देखिए, ये मैंने इस शेप में बनाया है और ये केक मैं आपको रेडी करके भी दिखाती हूँ। इसके अंदर का फ्लेवर है कैरेमल क्रंच, वो भी साथ साथ आपको मैं दिखाऊँगी। नहीं, ये जो है कटर इजीली मिल जाते हैं, उससे मैं ये निकाला है, ये लड़की बेबी और साथ में ये इसके बाबा। ये देख लीजिए जनाब, ये जो छोटे वाले फ्लावर्स हैं मैंने इस मोल्ड से निकाले हैं, और ये जो मैंने पापा लिखा है ये इस मोल्ड से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये हैप्पी बर्थडे मैंने इससे लिखा है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमें मोल्ड दिखा दिया करें। ये लें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, आप ये भी देख लीजिए, मैंने ये जो लड़का आदमी और बेटी बनाई है, ये कटर मैंने आपको दिखा दिए, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो इनके कलर हैं बॉडी के, वो मैंने खुद से ही पेंट करके किए हैं, और ये आपने बस ये डिटेलिंग खुद से ऐड करनी है, ठीक है। देखिए जनाब, ये मैंने केक के ऊपर रख दिए हैं, बाकी जो है अब मैं इसकी साइडों पर बॉर्डर बनाऊँगी। जी जनाब, ये देखिए हमारा केक हो गया है रेडी, और ये साइड डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी थी। मैंने इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया है और ये इस तरह से सेट कर दिया है। अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप किस तरह से कैसे भी करना चाहें आप कर सकते हो। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और जितने लोग देखेंगे उतना ही मुझे बनाने में, सिखाने में मज़ा आएगा। तो ये बस मेरे ऑर्डर वर्क का था, मैंने सोचा आपसे इसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।